हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। आज है डे 5 सितंबर 2023, यानी कि टीचर्स डे है। हमारी सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है और हमारा सबसे पहला स्कूल हमारा खुद का घर होता है, जहाँ हम अच्छी बुरी सभी चीज़ें भी है सब कुछ सीखते हैं। तो माँ तो है ही पहली टीचर, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उसको नई दिशा दिखाता है या उसकी गलतियों को ठीक करने में प्यार से या गुस्से से उसे सिखाता है, हेल्प करता है, तो वो भी उसका टीचर है। किसी की लाइफ में एक से ज़्यादा टीचर होते हैं, तो उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। मेरी लाइफ में मेरी पेंटिंग, मेरी मैम जिन्होंने मुझे ड्राइंग करना सिखाया, आज उन्हीं की वजह से हम आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो मेरे लिए दिल से उनको हैप्पी टीचर्स डे मैंने उन्हें विश भी किया है। आज बहुत दिनों बाद उन्हें विश करके बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि वो शायद हमें ना पहचाने क्योंकि बहुत टाइम बाद उनको मैसेज किए हैं, लेकिन आज मेरे लिए ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है बचपन से ही, बिकॉज मेरे फादर, मेरे ब्रदर एंड हस्बैंड सभी टीचर ही हैं। और इत्तेफाक से आज टीचर्स डे के दिन मेरे हस्बैंड को बेस्ट टीचर का से सम्मानित किया जा रहा है, तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, बिकॉज आप लोगों ने ही मुझे बहुत गाइड किया है कि कैसे वीडियो बनानी है, कहां पर क्या मिस्टेक हो रही है। तो थैंक टू ऑल ऑफ़ यू। हमने एक कार्ड भी बनाया है और उसको शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया है, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। लास्ट मिनट पर वो कार्ड तैयार हुआ है, मेरे बेटे को चाहिए था, तो वो भी आप देख सकते हैं कि लास्ट मोमेंट पर आप कैसे कार्ड तैयार कर सकते हो। आप भी सोच रहे होंगे कि दिखा तो रहे हैं हम बेडशीट पेंट करना, यानी फ्लावर या रोज़ की कली को पेंट कर रहे हैं, लीफ पेंट कर रहे हैं, और बता रहे हैं हम कार्ड के बारे में, तो आप सबसे बात करने में अच्छा लगता है। सो लॉन्ग वीडियो कुछ टाइम बाद ही देते हैं, बट सोचते हैं कि उसमें कुछ ऐसा एडवाइस करें कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, आप लोग का भी मन लगे, एंड हमें तो बात करने में अच्छा लगता ही है। और यहाँ पर लीफ को पेंट कर रहे हैं, तो लाइट ग्रीन कलर यूज़ किए हैं और लेमन येलो कलर है। और यहाँ पर लीफ को आप चाहे दो पार्ट में डिवाइड करके पेंट करो, या फिर पूरी लीफ को एक साथ ही बीच में येलो करके साइड साइड में ग्रीन कलर करके एक बार में ही पेंट कर लीजिए, वो भी सही है। छोटी लीफ है तो वैसे अच्छा लगता है, थोड़ी बड़ी लीफ रहती है तो उसको दो पार्ट में पेंट करने में ज़्यादा बेटर होता है। और ये जो ऊपर कली है वो तो उसकी थोड़ी सी पंखुड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं, सो उसे पेंट किया है। यहाँ पर लाइटिंग की वजह से वो प्रॉपर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, बट आउटलाइन करने के बाद अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि इसमें लास्ट में मैंने लाइट को थोड़ा डिम किया है तो कली का रियल कलर दिख रहा है। कली में हमने क्रिम्सन 4 या रेड, मतलब एक्रिलिक में वो क्रिम्सन 4 नाम से आता है, तो रेड कलर और मरून कलर से किया है, और लास्ट में थोड़ा सा वाइट से शेड दिया है लास्ट वाली पंखुड़ी को। तो और ये जो डंटल है, ये डंटल में हमने लाइट ग्रीन और थोड़ा सा येलो से शेड दिया है, एंड डार्क ग्रीन से आउटलाइन की है। डार्क ग्रीन से आउटलाइन तो लीफ में भी हुआ है, बट आपको लीफ में ये गौर करना है कि कहाँ पर आपको आउटलाइन करनी है, कहाँ पर छोड़ देना है, ताकि लीफ थोड़ा लगे अच्छे से, रियल 3D लुक आए उसका। हम ये बेडशीट जब बना रहे थे स्टार्टिंग में, सबसे पहले ये रोज़ बनाया था तो बड़ा बनाए थे, और हमें लगा कि बड़ा कोई पसंद नहीं करेगा, क्योंकि छोटे छोटे फ्लावर ही सबको पसंद आते हैं, हमें खुद भी छोटा ही फ्लावर अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर सभी, मतलब मेरे जितने भी कस्टमर हैं, उन सबको बड़ा फ्लावर ही पसंद है, यहाँ तक से कि एक लोग अपनी बेडशीट पर छोटा फ्लावर डिज़ाइन प्रिंट कर चुकी थी और फिर उसे वापस से कहीं कि इसमें बड़ा फ्लावर ही पेंट करके दीजिए। अब बड़ा फ्लावर करते करते हम भी बोर हो गए हैं, हम भी चाहते हैं कि छोटा ही हो तो अच्छा रहे, बट इसमें बड़े फ्लावर में तो थोड़ा कलर ज़्यादा यूज़ हो जाता है, तो बेडशीट ना डेली यूज़ करने में थोड़ा सा उलझन होता होगा, हमें ऐसा लगता है। अब जो ले रहा है, जो बनवा रहा है, उसको पता नहीं वो किस नीयत से बनवा रहा है, बट छोटा फ्लावर ज़्यादा अच्छा लगता है। या ये हो सकता है कि छोटा फ्लावर जब करने लगे तो वो करते करते भी बोर हो जाए, क्योंकि इंसान की फितरत है कि एक ही चीज़ लगातार करते करते बोर होने लगता है। बट सक्सेस का यही सबसे सीक्रेट रास्ता है कि लगातार या कंसिस्टेंसी से कोई काम करिए तो ही सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, आप में से किसी ने कहा था कि वॉइस में थोड़ा सा लाउड वॉइस रखा करिए, तो मतलब
इतना ही आवाज़ सा है मेरा, और अकेले अपने आप से बात करी तो थोड़ा अजीब लगता है कि लोग सोचेंगे अगल बगल की कोई है नहीं है, किससे बात करी इतना तेज़ तेज़, मतलब फ़ोन पे भी कोई बात करेगा तो ऐसे नहीं करेगा ना। तो थोड़ा सा आवाज़ पर ट्राई करेंगे कि लाउड हो मेरा वॉइस, और भी जो भी सजेशन देना है तो प्लीज़ सजेशन दीजिएगा, बट अच्छे वे में दीजिएगा, मतलब पॉजिटिव वे में ही सजेस्ट करिएगा। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करिए, क्योंकि इसमें ये कली और ये तीनों लीफ ही है, क्योंकि लीफ और कली ही ज़्यादा नहीं दिखाते, ज़्यादातर फ्लावर ही दिखाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में सोचे हैं कि फ्लावर, ये बड़ा फ्लावर ही करके दिखाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग को बड़ा फ्लावर पेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हम तो शुरू से कर रहे हैं इसलिए हमें अब बोरिंग हो रहा है, बोर हो रहे हैं, लेकिन जो नहीं करता उसको मन करता होगा करने का। तो कई लोगों ने कहा है कि फ्लावर को अच्छे से डिटेल में समझाइए, क्योंकि वो मेरे पास नहीं आ पाएंगी पूछने के लिए। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो फ्लावर पेंटिंग की हो, और आप भी जो सजेशन देना चाहें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव वे में सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ, ये जो लास्ट में जो आउटलाइन होता है ना, कि लीफ की नसें जो पेंट करते हैं, जो लीफ की नसें खींचते हैं कलर से, तो वो आप गौर से करिएगा। अगर आप पेंट करते करते बोर हो गए हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, अच्छे से ड्राई हो जाए, और जब आपका मन अच्छा हो तो ही इसे करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से पूरे लीफ का लुक ही चेंज हो जाता है। और थोड़ा डार्क कलर इससे करिएगा, और ये कोशिश करिएगा कि जिस तरीके से आपकी लीफ उभरी है, झुकी हुई है, उसी हिसाब से आप उसकी नसों को भी ड्रॉ करिए। थैंक यू सो मच, एंड एज़ यूज़ुअल वीडियो सिर्फ देखकर चले नहीं जाना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।